नमस्कार दोस्तों, युग चेतना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल बरवड़ फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। देखिए, अपन पढ़ रहे थे कृष्ण काव्य भक्ति धारा। कृष्ण काव्य भक्ति धारा में हमने निमार्क संप्रदाय पढ़ा, राधा वल्लभ संप्रदाय पढ़ा, सखी संप्रदाय पढ़ा, है ना। तो आज मैं उनमें से अष्टसाप के कवियों के नाम पढ़े, जन्म अनुसार उनका कर्म भी हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदास। सूरदास के बारे में मैं लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, ध्यान रहे, यह आरपीसी द्वारा आयोजित कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए निःशुल्क चलाई जा रही एक मुहिम है। तो आप अपने साथियों को शेयर करें, जो आपके साथी टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, नेट हिंदी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी या आरपीएससी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे कॉलेज प्राध्यापक हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, नेट हो, तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। आपके साथी भी इस निःशुल्क मेगा क्लास का लाभ उठा सकें और उनको भी फायदा हो सकें। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मैंने एक नोट्स के रूप में आपके सामने में ये तथ्य पेश कर रहा हूँ। हूबहू ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, 100% की गारंटी मैं नहीं लेता, परंतु मैं जो सवाल दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे और परीक्षा में 100% आने की मैं उम्मीद रखता हूँ दोस्तों। तो देखिए, मैं शुरू कर रहा हूँ। सूरदास। सूरदास का जन्म 1478 से 1580 के बीच माना गया। जन्म स्थान के बारे में विद्वानों के मत है, अलग अलग मत है कि इनका जन्म कोई कहाँ मान रहा है, कोई कहाँ मान रहा है। तो मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र मानने वाले विद्वान, ऐसे ही परीक्षा में सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रेणुका या रुणकता क्षेत्र मानने वाले विद्वानों में से इनमें से नहीं है, ऐसा सवाल पूछेंगे। तो ध्यान रहे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बाबू श्याम सुंदरदास जी, ये तीन विद्वान ऐसे हैं जो सूरदास का जन्म है वो रुणकता मानते हैं, मथुरा के पास रुणकता या रेणुका क्षेत्र कहते हैं उनको मानते हैं। दिल्ली के निकट मानने वाले स्थान, दिल्ली के निकट सिंह नामक स्थान मानने वाले विद्वान डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, गोकुलनाथ भट्ट, ये तीन ऐसे विद्वान हैं जो सूरदास जी का जन्म है वो दिल्ली के निकट सिंह नामक स्थान मानते हैं। ये दोनों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये हिंदी का जब पेपर होता है, चाहे टीजीटी पीजीटी नेट कॉलेज लेक्चर कोई भी पेपर हो, उसमें इनमें से एक सवाल पूछा जाता है। आप नोट कर लें, आप पिछले पेपर उठाकर देख लें, एक सवाल इनमें से आया हुआ है, 100% आया हुआ है जन्म स्थान के बारे में कि इनमें से कौन सा विद्वान नहीं मानता। तीन ये है और तीन ये छः विद्वान हैं, और छः में से तीन सही दे देंगे, एक गलत दे देंगे ऑप्शन में, और पूछेंगे इनमें से नहीं है। यह इनमें से एक सवाल दोस्तों मैं आपको कहता हूँ, गांठ बांध लेना, एक सवाल इसमें से आएगा। और मैंने पहले भी बताया था, आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और एक एक बिंदु को नोट करते जाइए। हमारी क्लास रोज़ाना 4:30 बजे शाम को संचालित होती है, ठीक है ना। अब डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और गोकुलनाथ भट्ट, ये मानते हैं दिल्ली के निकट से हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय सूरदास को दिया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदी साहित्य में अगर भ्रमर गीत की जो परंपरा है, भ्रमर गीत, भंवर गीत, कई तरह के गीत अलग अलग कवियों के अलग अलग है ना। नंददास का भंवर गीत है, तो भ्रमर गीत परंपरा का प्रथम श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो सूरदास को है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अपने ग्रंथ सूर सागर में उद्धव गोपी संवाद को सूरदास ने भ्रमर गीत शीर्षक दिया है। आपको ध्यान रखना है, प्रथम शीर्षक है जो जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, मथुरा में राजा बन जाते हैं और गोपियां पीछे इंतज़ार करती है, तो गोपियों को प्रेम योग भुलाने के लिए उद्धव जी को वहाँ से भेजते हैं और उद्धव और गोपी के बीच में संवाद होता है। तब एक भौरा गुंजन करता निकलता है, वहीं से भ्रमर गीत है ये शुरू हो जाता है। वो गोपियाँ भंवरे के माध्यम से उद्धव जी को उलाहना देती है, तो सूरदास जी ने यहाँ से उद्धव गोपी संवाद को भ्रमर गीत के रूप में लिखा है दोस्तों। ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, तो देखिए
सूरदास की रचनाएं, रचना में सूर सागर है जिसमें 12 स्कंद है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा जाता है। 12 स्कंद है, कितने स्कंद है? 12 स्कंद है, आप ध्यान में रखिएगा, 12 स्कंद है। किसमें? सूर सागर में 12 स्कंद है। इस ग्रंथ का उपजीवीय ग्रंथ भागवत पुराण है। उपजीवीय ग्रंथ का आधार होता है, उपजीवीय का अर्थ होता है आधार ग्रंथ, ये ध्यान रखना, उपजीवीय का अर्थ होता है आधार ग्रंथ, आधार ग्रंथ कहते हैं इसको। और भागवत महापुराण के दसम स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21वां श्लोक इसमें दिया गया है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये उपजीवीय बार बार आ रहा है, उपजीवीय का मतलब होता है आधार ग्रंथ, तो आधार ग्रंथ है भागवत महापुराण। सूर शरावली में इस ग्रंथ में पूरे संसार को एक होली के रूप में, रूपक के रूप में बांधा है, होली के रूपक के रूप में बांधा है। और टोटल 1107 इसमें स्कंद है, छंद है, टोटल 1107 इसमें छंद है, इस बात को आप दोस्तों ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। सूर शरावली में इस ग्रंथ में पूरे संसार को एक होली को, होली के रूपक के रूप में बांधा है, ठीक है ना। और 1107 छंदों की इसमें रचना हुई है। आगे अगर मैं बात करूँ साहित्य लहरी की, तो साहित्य लहरी सूरदास द्वारा दृष्टकूट पदों का संकलन इस ग्रंथ में किया गया है। ये सवाल कई बार पूछा गया सवाल है, सूरदास के दृष्टकूट पदों का संकलन किस में किया गया है? तो साहित्य लहरी में किया गया है, आप ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट मैं लगा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट होने वाला सवाल है। सवाल कई बार पूछा गया है कि सूरदास द्वारा दृष्टकूट पदों का संकलन किस ग्रंथ में हुआ है? तो साहित्य लहरी में हुआ है। इस ग्रंथ का संबंध नायिका भेद से भी है, इस ग्रंथ का संबंध नायिका भेद से भी है दोस्तों। और टोटल इसमें 118 पद है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल आया हुआ है। सूरदास के साहित्य लहरी में कुल कितने पद है? 118 पद है, ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नोट, सूर की समस्त रचनाओं की भाषा साहित्यिक भाषा ब्रज है, आपको ध्यान ही होगा, सूरदास ने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है, अवधि में नहीं लिखा है, ब्रज भाषा में लिखा है, आप ध्यान में रखें। सूर सागर किसी चली आती हुई गीती काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही सही हो, विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन आचार्य शुक्ल का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। सूरदास के बारे में अगर कोई कथन आए तो आचार्य शुक्ल का ही कथन महत्वपूर्ण लगता मुझे। सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही रही हो, विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है दोस्तों। तो दोस्तों आज इतना ही, कल से अपन सूरदास की जो रचनाएँ हैं उन रचनाओं को, और सूरदास का जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत समाध, उस भ्रमर गीत समाध को लेकर मैं आऊँगा, पूरा का पूरा भ्रमर गीत समाध है, जहाँ से सवाल पुटअप होता है वहाँ से मैं तथ्य उठाऊँगा और आपके सामने पेश करूँगा। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करें, आपका सुझाव मेरे लिए सर्वोपरि है। नमस्कार, धन्यवाद।